सब्सक्राइब करें टेक्नो बैंकिंग को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों, नया साल बस आने ही वाला है और इस नए साल यानी कि 2019 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने आम जनता को बहुत ही ज़्यादा राहत देने की कोशिश की है, जिसमें इसी कड़ी में जो है आज जो है GST काउंसिल की 31वीं बैठक हुई, जिसमें करीब 33 वस्तुओं के जो कि डेली आम जनता के डेली यूज में आती थी उनके दामों को घटाकर जो 28% टैक्स स्लैब में आते थे GST के, उनको 18% और 5% टैक्स स्लैब में कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि किन किन वस्तुओं के दाम को घटाया गया और कौन कौन सी वस्तुएं जो है वो 28% से घटकर जो है 18% और 5% GST टैक्स स्लैब के दायरे में आ गई हैं। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो से। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इसके साथ ही अगर आप लोग को चैनल पसंद आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, के साथ ही आप लोग बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज जो है GST काउंसिल की 31वीं बैठक संपन्न हुई और इसका जो पूर्वानुमान था वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही बता दिया था कि एक संबोधन में कि करीब 99% जो वस्तुएं हैं वो सस्ती होने वाली हैं, जो 28% या फिर 18% के टैक्स स्लैब के दायरे में आती हैं उनको उनका दाम है जो घटाया जाएगा, जो कि डेली यूजेज में आती हैं और आम जनता के डेली यूजेज में प्रयोग होती हैं। तो दोस्तों, आज की जो बैठक संपन्न हुई उसमें करीब 33 वस्तुओं को जो है 28% टैक्स स्लैब के दायरे से बाहर निकालकर 18% में किया गया और कुछ वस्तुओं को जो है 5% के टैक्स स्लैब दायरे में किया गया है। वो भी देखने वालों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि जो है सिनेमा टिकट्स के दाम जो है पहले 28% टैक्स स्लैब के दायरे में आते थे, अब जो है उनको घटाकर 18% टैक्स स्लैब में कर दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी बात है, जो भी मूवी देखने के दीवाने हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। इसके साथ ही जो है थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस हम लोग कराते थे उसको भी GST के 28% टैक्स स्लैब के दायरे से हटाकर जो है 18% में कर दिया गया। इसके अलावा जो और चीज़ों के जो वस्तुओं के दाम जो कम हुए हैं उनमें टायर है, LED TV है, बैटरी है, पावर बैंक से जो हम पावर बैंक्स लोग हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं पावर बैंक वो है, इसके साथ ही टिटेनियम बैटरी है, व्हील चेयर है, फुटवियर है और इसके साथ ही फ्रोजन वेजिटेबल है, जो फ्रोजन वेजिटेबल मार्केट में बिकता है उसके दाम जो है घटाए गए हैं। इसके साथ ही बिलियर्ड्स, स्नूकर और जो जितने भी अदर गेम हैं उनके जो वस्तु होते हैं खेलने वाली जितने भी चीज़ें हैं उनको उनके दामों को घटाया गया है। इसके साथ ही डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा के दामों को घटाया गया है। इसके साथ ही वीडियो गेम्स को जो दाम है उनके घटाया गया है। इसके साथ ही जो LED TV है उसके दामों को भी घटाया गया है। जो LED TV में एक शर्त रखी गई है कि जो 33 इंच का जो LED TV आता है उनके दामों को भी केवल घटाया गया है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात है कि करीब 33 वस्तुओं के दाम घटाए गए हैं, लेकिन जितना वादा किया गया था करीब 99 वस्तुओं के दाम जो है वो घटाने का वादा किया गया था, लेकिन उतना तो घटाया नहीं गया, लेकिन फिर भी चलिए कुछ तो दाम घटाए गए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस GST काउंसिल की 31वीं बैठक के बारे में, और अगर आपको लगता है कि और जो वस्तुओं के जो है जिन जिन वस्तुओं के दामों को घटाना चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर जो है अपनी राय को व्यक्त करिए। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक आपने बेल बटन को नहीं दबाया तो बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।